Then start with the exercise 1.2. The first question of this exercise is find the additive inverse of the following integers. हमने क्या find करना है? Additive inverse find करना है जो हमें integers given है. Like first question है minus of 5210. So additive inverse of this term is additive means of additive is plus. Add का mean क्या होता है? Plus. Inverse means opposite. इनवर्स मीन्स ऑपोजिट. किसका ऑपोजिट? प्लस का. प्लस का ऑपोजिट क्या आ गया? माइनस आ गया. तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? हमने हर एक टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस से मल्टीप्लाई करना है. अगर हमें इस टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस. तो क्या आ गई ये टर्म? प्लस 5210. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. माइनस 12 प्लस 32 प्लस माइनस 25. So plus we arrange the terms as this is this is negative and this is also negative term. तो हम जो दोनों negative terms को हम एक side कर लेंगे, इसको और negative terms को हमने एक side कर लिया और positive को अलग कर दिया. अब हम क्या करेंगे? Plus minus minus. So ये भी negative, ये भी negative. तो हमने क्या करना है? क्या rule था? अगर दोनों की sign same हो तो वो क्या होता है? Always plus होती है. तो 25 plus 12 कितना आ गया? 37. और इसके साथ कौन सा साइन लगेगा? जो बड़ी रकम, जो बड़ी टर्म के साथ साइन है. तो बड़ी टर्म कौन सी है? 25. 25 के पास कौन सा साइन है? माइनस. तो आंसर में भी माइनस आएगा. और हम इसे प्लस 32 को साथ साथ कैरी करेंगे. अब ये आ गया माइनस एंड प्लस. तो प्लस माइनस, अगर मैंने बोला था अगर कोई एक भी टर्म नेगेटिव होती है तो हम क्या करते हैं? उसे माइनस करते हैं. तो 32 माइनस 37 माइनस 32 कितना आ गया? 5. 5 के साथ कौन सा साइन लगेगा? जो बड़ी टर्म के साथ. तो ग्रेटर टर्म कौन सी है? 37. 37 के पास कौन सा साइन है? माइनस. तो आंसर क्या आ गया? माइनस 5. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है किसका? जो फॉलोइंग हमें इंटीजर्स गिवन है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज माइनस 18. हमने इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है. तो मल्टीप्लीकेटिव मीन्स मल्टीपल, मीन्स हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. और इनवर्स मीन्स इसका ऑपोजिट. इनवर्स का मीन्स होता है ऑपोजिट, उल्टा. तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या आ गया? डिवाइड. तो हमने क्या करना है? जो हमें टर्म गिवन है हमने उसको क्या कर देना है? ऑपोजिट कर देना. उसको क्या कर दिया? उसे पहले वो क्या था? न्यूमिनेटर में था, अब उसे डिवाइड में कर दिया. डिवाइड में मीन्स 1/-18. तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -18 इज 1/-18. दैट इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स. हमें कोई भी इंटीजर्स दिए हुए हैं, हमने उसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है. तो फर्स्ट हमें इंटीजर क्या दियो? माइनस नेगेटिव ऑफ 153 एंड नेगेटिव ऑफ 110. हमें इसे फर्स्टली क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. हमने मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 16,830. और इसके साथ साइन क्या है? नेगेटिव. इसके साथ साइन क्या है? नेगेटिव. तो मैंने आपको रूल्स समझाए हैं कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस वो क्या बन जाता है? प्लस. तो इसका साइन क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोशेंट ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स. अब हमें डिविजन्स के जो इंटीजर्स हमें गिवन है उसको हमने क्या करना है? उसका कोशेंट फाइंड करना है डिविजन डिवाइड करके से. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज माइनस ऑफ 280 डिवाइड प्लस 7. एक हमें इंटीजर नेगेटिव गिवन है, एक इंटीजर हमें पॉजिटिव गिवन है, और हमें साइन कौन सा गिवन है? कौन सा ऑपरेशन हमने यहाँ पे लगाना है? डिवीजन का. तो हम क्या करेंगे? 280/7, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में हम क्या करते हैं. तो क्या आ गया? 7 1 7, 7 4 28. इसके साथ जीरो है तो इसके साथ भी जीरो आ गया. तो आंसर हमें ये तो पता चल गया कि इसका कोशेंट क्या आया? 40 आया. पर हमें कैसे पता कि इसके साथ माइनस क्यों आएगा? मैंने आपको बोला था कि अगर दो इंटीजर्स में किसी एक के साथ भी नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव कैरी होता है. प्लस माइनस माइनस. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट सम है. तो उससे पहले आपको ये टर्म्स याद करनी पड़ेगी कि अगर हम कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कितने सारे नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं n टर्म्स तक, तो अगर n ऑड टर्म्स होंगी, अगर हम ऑड नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आता है.
और अगर n इवन नंबर हो, अगर इवन टर्म्स हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा उनका आंसर? पॉजिटिव आएगा। अगर हम कर रहे हैं नेगेटिव आ गया, जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये क्या है? तीनों नेगेटिव हैं, तो क्या आएगा इनकी 1 2 3 कितनी टर्म्स आ गई? 3 टर्म्स आ गई। तो 3 क्या है? ऑड है, तो ऑड की क्या आएगा आंसर? हमेशा नेगेटिव आएगा। और अगर हम कर रहे हैं -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4, तो ये कितनी टर्म्स आ गई? 4 टर्म्स आ गई। और 4, अगर 4 क्या है? इवन नंबर है। अगर इवन नंबर होगा तो आंसर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसमें आ गया, अगर हम पॉजिटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एन पॉजिटिव टर्म्स हैं, वो अगर एन ओड हो या इवन हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो सेवेंथ क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 नेगेटिव इंटीजर्स। तो 1 2 3 क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स है, मीन्स -1 -2 और -3। तो इनको क्या करना है? हमने इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। उन्होंने पूछा तो इसकी प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा, तो हमने -1 -2 और -3 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हमने -2 और -3 को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? -+, तो क्या आ गया? +6। +6 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? -1 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया हमारा आंसर? आ गया +-. वैसे भी हमें पता चल रहा है कि 1 2 3 कितनी टर्म्स है? ये 3 टर्म्स है, तो 3 क्या आ गया? ऑड। अगर ऑड नेगेटिव टर्म्स हो तो उनमें उनका साइन क्या आता है? नेगेटिव आता है। सेकेंड आ गया, इफ 6 पॉजिटिव इंटीजर्स आर मल्टीप्लाई टूगेदर, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, 6 क्या आ गया? इवन आ गया। 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव के लिए मैंने क्या बताया? अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को, चाहे वो ऑड हो या फिर इवन हो, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो 6 इज अ इवन नंबर, सो द साइन ऑफ ऑल पॉजिटिव इन टर्म्स इज पॉजिटिव। सो थर्ड क्वेश्चन आ गया, व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 9 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 15 पॉजिटिव इंटीजर्स। उन्होंने बोला है कि हमने वो साइन बताना है कि 9 नेगेटिव इंटीजर्स और 15 पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा साइन क्या आता है। ये तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव कोई भी इंटीजर, वो उसका ऑड हो या इवन हो, वो हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो 15 इज ऑड नंबर, सो द साइन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑफ 15 पॉजिटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। ये तो हमें पता चल गया कि जितने भी ऑड इवन हो, अगर पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उनका हमेशा प्रोडक्ट का आंसर पॉजिटिव आता है। पर इन्होंने बोला है 19 नेगेटिव इंटीजर्स, तो हमें पता है 19 क्या है? ऑड नंबर है। सो द साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 19 नेगेटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव। इसका नेगेटिव आ गया, इसका पॉजिटिव आ गया, तो दोनों की प्रोडक्ट कितनी आएगी? तो हम प्रोडक्ट से हमें पता है ना कि अगर हम दोनों टर्म्स में से कोई भी अगर नेगेटिव होता है, तो फिर क्या आता है? उनका आंसर नेगेटिव ही आता है। तो इनका साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव। हमने जो अभी 4 पार्ट किया, उनमें से हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये ऑब्जर्व किया है, फर्स्ट पार्ट ये आ गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। मैंने बोला है कि अगर कोई भी नंबर है, वो ऑड नंबर है और वो नेगेटिव है, उनकी प्रोडक्ट हमेशा किस में आती है? नेगेटिव में आती है। सेकेंड आ गया, प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम प्रोडक्ट करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की, और वो इंटीजर्स कितने नंबर्स हैं? वो इवन नंबर्स हैं, तो उनकी प्रोडक्ट हमेशा किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। सो द नेक्स्ट इज एट्थ का फर्स्ट पार्ट आ गया, फाइंड द डिविडेंड विच व्हेन डिवाइडेड बाय -25 गिव्स 154 एज द कोशेंट। तो हमें क्या, उन्होंने बोला है कि आपने डिविडेंड फाइंड करना है, हमें डिवाइजर गिवन है, डिवाइजर क्या आ गया? ये आ गया, गिव्स दिस 154 एज अ कोशेंट। तो कोशेंट क्या आ गया? 154। पहले हमें जो चीजें गिवन है हमने वो लिखी, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिविडेंड। तो डिविडेंड हमने लेट कर लिया, क्या है? एक्स आ गया। तो डिवाइजर हमें कितना गिवन है? डिवाइजर -25 गिवन है। कोशेंट हमें कितना गिवन है? 154 गिवन है। हमें पता है कि अगर कोई भी चीज दूसरी टर्म से प्रॉपर डिवाइड हो जाए, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 6 है, 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से हम प्रॉपर डिवाइड हो रही है, 2 से क्या आ गया? 6 प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, 2 3 6, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है।
तो ये भी क्या प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमें रिमाइंडर के बारे में नहीं बताया, तो हम रिमाइंडर अपनी तरफ से ले रहे कि वो जीरो है। तो फॉर्मूला क्या है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। डिविडेंड फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, -25 डिवाइजर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन है क्योंकि 154 प्लस जीरो, इसे मल्टीप्लाई किया ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसे मल्टीप्लाई किया कितना गया 3854। दोनों में से कौन सी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, अगर एक साइन नेगेटिव हो तो आंसर में क्या आता है, नेगेटिव आता है। प्लस जीरो, हम जीरो को किसी भी टर्म से एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही टर्म आते, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -3854। तो स्टूडेंट्स बाकी बी और सी पार्ट सेम ऐसे ही आप खुद घर से कर लेना।